तो मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। परम से बोलो जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम आपको वो बताना क्या चाहते हैं, बोर्ड मास के नियम या रूल्स हैं को सरलीकरण, मतलब इसको सरल कैसे करना भैया, जो हम आपको बता रहे हैं। इसमें सिर्फ अपनी भाषा में बुंदेली भाषा बोल सकते हैं अपन। तो यहाँ पर बोर्ड मास क्या कहता है, पहले अगर बी का मतलब होता क्या होता, बी का मतलब होता कोष्टक। अगर कहीं सवाल में कोष्टक है तो पहले कोष्टक को हल करना है, उसके बाद ऊ लगा तो ऊ का मतलब होता है का। अगर कहीं पर का लगा तो का को हल करने पहले, और अगर डी का मतलब होता भाग तो भाग लगा तो भाग, और एम लगा एम डी के बाद एम, एम का मतलब होता गुणा, और ए का मतलब होता जोड़, ठीक है, और एस का मतलब होता घटाना। कहाँ पढ़ना होता, सबसे बाद में करना है, जोड़ के बाद घटाना करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, बी। इस कहीं सवाल में कहीं तुमको बी दिख रही है, नहीं है ना बी, तो बी को हल नहीं करेंगे, यहाँ पर है ही नहीं तो का हल करें। तो इसके बाद ओ का मतलब का कहीं यहाँ पर है का, तो इस सवाल में कहाँ लगा, का वहां पर लगा। तो पहले इस पूरा संख्या है, 13 गुणे 4 प्लस 6 गुणे 9 और 14 3 कितना हो जाता, 42 लिख दिया, माइनस में नहीं करते हैं, भाग आपका संख्या है, ठीक है। ओ का बाद क्या आता है, डी, मतलब भाग। अब भाग लगा कहीं पर इसमें, हाँ यहाँ पर लगा तो हम करेंगे 13 गुणे 4 जाएंगे, 6 गुणे 9 जाएंगे, माइनस जाएंगे तो माइनस आता है, 7 6 भाग लगा देंगे इसका, इसमें 7 6 6 बार गया, दे दिया। अब इसके बाद डी के बाद एम आता है, एम का मतलब होता है गुणा, जहाँ जाए गुणा लगा उसको सॉल्व कर देंगे, 13 चौके 52 और प्लस 6 9 54 घटाना है। एम के बाद आता है जोड़, जोड़ लगा तो जोड़ देंगे 54, एम के बाद क्या आता है जोड़ तो जोड़ देंगे 4 2 6 5 2 10 106 100, फिर आता है घटाना तो घटाना कर देंगे, क्या जाएगा 100, अगर ना देख रहा हो तो देख रहे हैं, हाँ दिख तो रहा, सही है, अभी आंसर 100। इसी प्रकार से आपको बोर्ड मार्क्स के नियम से रूल से करना है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व इसी प्रकार से, देखो नियम फॉलो करना होगा, फिर क्रम से लगाने होंगे सब क्वेश्चन, ठीक है। धन्यवाद, जय श्री राम।